हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन लवली पीपल। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेरी थाईलैंड की एक और मेमोरी व्हिच इज़ क्लोज टू माय हार्ट। एंड लेकिन उस लोकेशन पे पहुँचने तक भी जो बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ मुझे रास्ते में मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। सी साइड एरिया है और यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, नीला आसमान देखने को मिला, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। एंड ऐसे ही जिस लोकेशन पे मैं आज आया हूँ वो है बिग बुद्धा, जो फुकेट में सबसे बड़ा स्टैच्यू है। और अगर ओवरऑल थाईलैंड की आप बात करेंगे तो थर्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू है। सो गाइस, ये है वो स्टैच्यू। एंड यहाँ पे आने वाले लोग जो फुकेट, थाईलैंड फुकेट आते हैं, वो इस लोकेशन पे ज़रूर विज़िट करते हैं। थोड़ी सी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये स्टैच्यू जो है, इसकी हाइट है 45 meters, विच इज़ क्लोज टू इक्वली 150 feet के आसपास है। और ये 2002 में बनना शुरू हुआ था, 2014 में जाके कंप्लीट हुआ है, लेकिन आज भी टिल दैट टाइम जब मैंने विज़िट किया तब तक भी इसमें कुछ एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स जो थे वो पेंडिंग दिखे। चांद की चांदनी और यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो बहुत खूबसूरत लगता है ये स्टैच्यू। सो गाइस, अगर आप फुकेट विज़िट कर रहे हैं तो दिस इज़ अ मस्ट वॉच प्लेस, आप यहाँ पे जरूर जाएं, क्योंकि इस हाइट पे आने के बाद ये जो स्टैचू है ये फॉरेस्ट एरिया है थाईलैंड का, फुकेट का, ठीक है, विच इज़ क्लोज टू सिटी। और उसमें एक हाइट पे, मतलब जैसे हिल्स होती हैं तो एक ठीक ठाक सी हिल के ऊपर ये बना हुआ है, तो स्टेयर्स चढ़ के आपको आना पड़ेगा। तो मिड ऑफ सेक्शन जब बीच में आप स्टेयर्स पे आ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, तो आप फुकेट सिटी का भी नज़ारा ले सकते हैं। सो आई होप You like this video, guys. अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू गाइस।